क्या पीनट बटर खाने से पिंपल्स वगैरह आते हैं? क्या पीनट बटर सिर्फ वेट गेन करने के दौरान ही यूज़ कर सकते? क्या मैं वेट लॉस करने के दौरान पीनट बटर यूज़ कर सकता हूँ? काफ़ी सारे सवाल है आपका, जो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही 2020 के सबसे अच्छे पीनट बटर के अनबॉक्सिंग भी करूँगा इसी वीडियो में। तो अभी वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। दोस्तों, मेरे पास अभी ये डिसोनो के 100% नेचुरल अनस्वीटेंड पीनट बटर मौजूद है, जो कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए अमेजन से परचेस की है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए थे। चलो सबसे पहले इसके खूबियों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, पैकेजिंग। एकदम झांसू टाइप का इसका पैकेजिंग है, ना ओवल शेप का, ना सिलेंडर शेप का, यह ट्रायंगल शेप का, जो इसको एक बेहतरीन लुक देता है। इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स के रूप में ओनली रोस्टेड पीनट्स ही मिलेगा। नो एडेड शुगर, नो एडेड सॉल्ट और ना ही इसमें कोई भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल इंक्लूड किए हैं इन्होंने। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और ग्लूटेन फ्री भी है। बट ये खास बात बिल्कुल भी नहीं है, खास बात है इसके प्रोटीन की क्वांटिटी। 100 ग्राम के पर सर्विंग में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। कैन यू बिलीव इट? कुछ लोग बोलेंगे कि ये मार्केटिंग गिमिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई, ये प्रोडक्ट ISO, HACCP एंड BRC सर्टिफाइड फैक्ट्री से ही बना है, जहाँ क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाते। मतलब लेवल पे जो भी प्रिंटेड है सब कुछ एकदम सच है, क्योंकि इन्होंने अलग से प्रोटीन को इसमें ऐड किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन एक ही प्रोडक्ट से मिले। और आप प्रोटीन पाउडर ना भी खरीद पाए, वो किसी भी कारण से हो, आपकी डेली प्रोटीन इंटेक में कोई भी कमी ना आए। और इसके प्राइस दूसरे पीनट बटर से काफ़ी कम है और प्रोटीन भी बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। 30% प्रोटीन आपको मिल रहा है यहाँ पर। साथ ही 639 कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगा अगर आप 100 ग्राम की सर्विंग यूज़ करते हो। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तब तो आपके लिए ये एक वरदान है, क्योंकि 639 कैलोरी एनर्जी जो आपको कैलोरी सरप्लस में जाने में बहुत ही हेल्प करेगा। और आप लोग जानते हो कि पीनट बटर में हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आपके हार्ट, आई एंड ब्रेन हेल्थ को भी प्रमोट करेगा। अब सवाल है, क्या मैं वेट लॉस के दौरान पीनट बटर को यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपको इसका सिर्फ एक ही सर्विंग यूज़ करना है, मतलब 32 ग्राम का, जो कि होता है 2 स्पून। तो 1 स्पून आप सुबह और 1 स्पून आप शाम यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 10 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम कार्ब्स एंड 3 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। साथ ही आपको मिलेगा 16 ग्राम हेल्दी फैट, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि पीनट बटर हेल्दी फैट्स के लिए ही मशहूर है। बट डिसानो के इस पीनट बटर में पीनट्स के सारे हेल्दी बेनिफिट्स तो आपको मिलेगा ही, साथ ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी आपको मिलेगा। तो यही है राइट चॉइस। क्या पीनट बटर खाने से पिंपल होते हैं? देखो भाई, अभी तो विंटर है, बट कुछ दिनों के बाद गर्मी फिर से चालू हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि गर्मी में आप एग्स नहीं खा सकते, फिश नहीं खा सकते, पीनट्स या पीनट बटर तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो बताओ यार, क्या खाओगे तुम लोग? आपके हार्ट, ब्रेन, आई और बाकी जो सारे ऑर्गन्स है सारा साल आपके लिए काम करता है ना? तो आपको तो उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, उसको तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, चाहे वो सर्दी के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो। पीनट बटर्स या पीनट्स, एग या फिश और जो भी प्रोडक्ट्स है आपकी सबसे जो हीट पैदा करते हैं बॉडी में, जो गर्मी आपके बॉडी में बनते हैं, वो एक्सरसाइज के थ्रू बर्न हो जाते हैं। एक्सरसाइज के दौरान जब आपको पसीना आता है तो कैलोरी बर्न होते हैं, इसीलिए तो आप वर्कआउट वगैरह करते हो कैलोरी बर्न करने के लिए, राइट? तो जो लोग जिम करते हो, वर्कआउट वगैरह करते हो या किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, ये बात दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि पीनट बटर, एग, फिश गर्मी के टाइम नहीं खाना चाहिए, या पीनट बटर खाने से पिंपल होता है। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? ये सारे फालतू के बाद अपने दिमाग से एकदम से बाहर निकल दो और पीनट बटर रोज खाया करो। और एक अच्छे और हाई प्रोटीन पीनट बटर की खोज अगर आप कर रहे हो तो आपकी खोज खत्म हुआ। किसानों के ये पीनट बटर अभी परचेस करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अभी कभी बढ़िया वाला डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो उसका लाभ ज़रूर उठाओ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।